एक और बड़े सा बिल्डर फ्लोर लेकर आया हूँ, शक्तिगंज 3 इंद्रापुरम में, जो कि 3 BHK 3 टॉयलेट 1500 स्क्वायर फीट में है। आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अगर आप फर्स्ट एंड सेकंड की तरफ जाते हो तो आपको 83 लाख की आस्ती में, जो कि नेगोशिएबल है। एंड अगर आप थर्ड फ्लोर छत के साथ जाते हो तो उसकी आस्ती 93 है, जो कि वो भी नेगोशिएबल है। एंड जो भी अगर पूरे फ्लैट में देखोगे तो आपको एज इट इज मिलेगा, रेडी टू मूव प्रॉपर्टी है, प्रॉपर गेटेड सोसाइटी है, दोनों तरफ से एंट्री है। तो चलते हैं, आपको पूरा टूर देता हूँ इस पूरे घर का, फिर बात करते हैं बाद में। तो गाइस अब चलते हैं अंदर, एंड आपको पूरा 1500 स्क्वायर फीट का बिल्डर फ्लोर दिखाता हूँ। सबसे पहले आप देख रहे हो हमारी एंट्रेंस हो गई है, तो चलते हैं प्रॉपर अंदर एंड आपको मैं पूरा टूर करवाता हूँ। तो जैसे ही आपके भाई ने एंट्री करी, सबसे पहले जो आपको एरिया देखने को मिलेगा वो मिलेगा हमारा लिविंग एरिया। आप देख सकते हो प्रॉपर ही हमारा लिविंग एरिया होने वाला है। ऊपर बिल्डर ने बड़े तरीके से फॉल सीलिंग का काम करके दे रखा है, थोड़ा वुडन सीलिंग का भी काम करके दे रखा है, एंड प्रोफाइल लाइटनिंग भी करके दे रखी है। आपको दिख रही होगी प्रोफाइल लाइट। यहाँ पे बिल्डर ने प्रॉपर आपको वॉलपेपर का काम करके दे रखा है, जो कि आपको दिख रहा होगा। एंड जैसे ही मैंने यहाँ से एंट्री करी, आप यहाँ पे देखो सबसे पहले फ्रंट में, मेरे फ्रंट में ये प्रॉपर यहाँ पे बिल्डर ने LED पैनल का काम करके आपको दे रखा है, उसके पीछे ही वॉलपेपर लगा हुआ है। एंड लेफ्ट में आपको कैबिनेट्स दे रखे हैं, नीचे भी आप इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, या फिर आप लेफ्ट में भी आप अपने एंटीक्स रख सकते हो। यहाँ पे भी आपको बिल्डर ने वॉलपेपर काम करके दे रखा है। एक बार ऊपर की पैड जला देख लो, फिर चलते हैं हमारे फर्स्ट रूम की तरफ, फिर मैं आपको बाकी का दिखाता हूँ। ये हमारी फर्स्ट रूम की एंट्रेंस होने वाली कुछ इस तरीके की, तो मैं आपको दिखा दूँ। बिल्डर ने आपको हर रूम में फॉल सीलिंग का काम करके दे रखा है, इसमें भी आपको बिल्डर ने प्रोफाइल लाइट्स करके दे रखी है एंड प्रॉपर फॉल सीलिंग। अब दिखाता हूँ आपको प्रॉपर रूम एंड इसका लेआउट। बिल्कुल सामने आपको वॉलपेपर हुआ हुआ दिख रहा होगा, आपको एज इट इज फ्लैट मिलेगा। बिल्कुल सामने देखो आपको बिल्डर ने कुशन करके दे रखा है, हाईलाइटिंग बना के दे रखी है प्रॉपर बड़े तरीके से। एंड बिल्कुल मेरे सामने की बात करो तो यार देखो ये हमारी वॉर्डरोब्स आ गई हैं सामने मेरे लगा हुआ, ताकि अपने आपको डेली देख सको। एंड भाई को लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना, चैनल पर नए आते हो ना तो बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, अपने फैमिली एंड नोन्स के साथ भी शेयर करना। चलो अब बिल्कुल फ्रंट की बात करो तो यहाँ पे LED पैनलिंग है, आप देख सकते हो। एंड इसके बैक में भी वॉलपेपर का काम हुआ हुआ है। बात करते हैं इसकी फर्स्ट वॉशरूम की, तो यार अभी थोड़ा सा काम होना बाकी है, वो विद इन वीक हो जाएगा, आपको बिल्डर बढ़िया तरीके से कंपनी की सैनिटरी फिटिंग करके देगा। आइए अब चलते हैं हमारे वॉशिंग एरिया की तरफ। तो गाइस अच्छा खासा स्पेशियस हमारा वॉशिंग एरिया होने वाला है, जिसको आप स्टोर रूम के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो ये था हमारा फर्स्ट रूम, अब चलते हैं सेकेंड रूम थर्ड रूम की तरफ। तो ये हमारा लिविंग एरिया है, जो कि मैं आपको दिखा चुका हूँ, बर ऊपर के नज़ारे देख लो, अच्छी खासी वॉकिंग स्पेस आपको मिल रही है। एंड लिविंग एरिया के जस्ट राइट में ही कॉमन वॉशरूम आया था हमारा, इसमें भी आपको अभी थोड़ा सा काम बचा है, वो होने वाला है जैसे कि मैंने आपको ही बताया। ये हमारा वॉशरूम हो गया जो कि कॉमन है। अब चलते हैं हमारे डाइनिंग एरिया की तरफ। तो देखो ये हमारा डाइनिंग एरिया है, बिल्डर ने बड़े तरीके से ग्लास का काम कर दे रखा है, हाईलाइटिंग का काम करके दे रखा है, आपको दिख रहा होगा। ये देखो एक बार झलक, ऊपर देखो जरा झलक, ओए होए नज़ारा है। यहाँ पे भी आपको प्रोफाइल लाइट्स एंड फॉल सीलिंग का काम हुआ हुआ मिलेगा। भाई को लाइक कर देना, आपके लिए बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाता हूँ, एक लाइक तो बनता है। आइए अब चलते हैं किचन की तरफ। तो पहले ऊपर से आपको दिखाते नज़ारे। तो गाइस प्रॉपर मॉडलर किचन आपको मिलेगी, बड़े तरीके से टेबल टॉप पर देखा, देखो कितना बढ़िया ब्लैक कलर, कितना बढ़िया लग रहा है। चलते हैं अब हमारे सेकंड रूम की तरफ, एंड यहाँ पे भी आपको वॉलपेपर बिल्डर ने लगा के दे रखा है, आपको सेम एज इट इज कंडीशन में फ्लैट मिलेगा जैसा भी आप देख रहे हो। चलते हैं दूसरे रूम की तरफ। तो गाइस ये हमारा सेकंड रूम की एंट्रेंस है, कुछ इस तरीके का आपको सेकंड रूम की एंट्रेंस मिलेगी अगर आप एंटर करते हो तो। सामने ही आपको वॉलपेपर दिख रहा होगा, सामने बिल्डर ने बड़े तरीके से कस्टमाइजेशन करके दे रखी है बढ़िया तरीके से। देखो बात करो बिल्कुल फ्रंट की, तो बिल्डर ने यहाँ पे आपको वार्डरोब दे रखी है, ये भी अलग तरीके से कस्टमाइजेशन है। फर्स्ट रूम की अलग थी, सेकंड रूम की अलग है। सामने मिरर आ गया, भाई को लाइक दे देना एक और सब्सक्राइब भी कर देना। यहाँ पे भी आपको बिल्डर ने वॉलपेपर काम करके दे रखा है। ये हमारा थर्ड एंड लास्ट वॉशरूम है, इटालियन टाइल्स आपको बिल्डर ने लगा के दे रखी हैं। ये देखो कितना बड़े तरीके से बिल्डर ने आपको काम करके दे रहा है, थोड़ा सा काम बचा बस। बात करते हैं कि बालकनी की, जो कि हमारा कुछ इस तरीके की बालकनी आने वाली है, जो कि हमारे सेकंड एंड थर्ड रूम को कनेक्ट करती है, दोनों रूम से एक्सेसिबल है। ये हमारा टफन ग्लास का काम हुआ हुआ दिख रहा होगा आपको, एंड यहाँ से आपके भाई ने
एंट्री करी थी और आप यहाँ से भी एंट्री कर सकते हो। चलते हैं अब हमारे थर्ड रूम की तरफ। चलिए, डिसेंट फ्लैट है, बढ़िया फ्लैट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब चलते हैं थर्ड एंड लास्ट फ्लैट के रूम की तरफ। तो गाइस, कुछ इस तरीके का आपको रूम मिलने वाला है। सामने अगेन वार्डरोब बना के दे रखी आपको बिल्डर ने, एंड मिरर एंड भाई के लिए एक लाइक कर देना। ये देखो, यहाँ पे भी आपको बिल्डर ने कस्टमाइजेशन करके दे रखे, बड़े तरीके से हाईलाइटिंग का काम कर दे रखा है, एंड पीछे प्रॉपर वॉलपेपर हुआ हुआ है, एंड यहाँ पर भी आपको वॉलपेपर का काम हुआ हुआ मिलेगा। तो ये था हमारा पूरा 1500 स्क्वायर फीट का फ्लैट। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी प्राइसिंग की, जो कि मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, पर मैं एक बार आपको दोबारा बताता हूँ। इसमें तीनों ऑप्शंस अवेलेबल है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अगर आप फर्स्ट एंड सेकंड तरफ जाते हो तो 83 लाख आस्किंग है, जो कि नेगोशिएबल है, एंड अगर आप थर्ड फ्लोर की तरफ जाते हो विद छत, तो उसकी आस्किंग 93 लाख रुपीज़ है। ये प्रॉपर 3 BHK, 3 टॉयलेट है, पास में स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, डी मॉल है, एंड आपका शिप्रा मॉल है, एंड 4 किलोमीटर की रेंज में आपका मेट्रो स्टेशन आ जाता है वैशाली का। तो कोई दिक्कत करनी है, आसपास ही सब कुछ मिल जाएगा आपको। प्रॉपर रिसाइडिंग यहाँ पे फैमिलीज ऑलरेडी है, मैंने आपको दिखाया, गेटेड सोसाइटी है। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी कंसर्न होता है, या आपको विजिट करनी है, विजिट कर लो, देख जाओ, क्या पता आपको पसंद आ जाए, फिर आप ले भी जाना और रह भी लेना। फिर आप भाई को याद करोगे, भाई ने बढ़िया घर दिलवाया था, बढ़िया घर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो उसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, एंड अगर चैनल पर नहीं आते ना, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दो। और बाकी कोई भी विजिट से रिलेटेड या कोई भी क्वेरी हो तो दिए हुए नंबर पर आप कभी भी कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट फ्लैट या फ्लोर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।